हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है धर्मपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। जी हाँ, फिलहाल ये शेयर 117 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले सर्किट में इसमें तकरीबन 20 रुपए का अपर सर्किट लगाया हुआ है। तकरीबन 20 रुपए 20% का उछाल इस शेयर में देखने को मिला है, जिसका रीजंस मैंने आपको पहले ही बताया था। ये एक शुगर कंपनी है और सिर्फ यही नहीं, जितनी भी शुगर कंपनियां हैं जो NSE में या BSE में लिस्टेड है उसके शेयर में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई है उसकी वजह से उसमें इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आज इसने भी पिछले सर्किट में इसने 20 रुपये का अपर सर्किट लगाया था तो अब इसमें और उछाल नहीं आएगा, तो आपकी बात गलत है, क्योंकि अभी भी इसमें 200% तक उछाल आने की संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं कि फिलहाल इस कंपनी ने किस तरह का परफॉर्म किया है। अगर लास्ट वन वीक का अगर हम यहाँ पे डेटा निकालने जाते हैं तो लास्ट वन वीक में ये तकरीबन 38% तक हाई रहा है। मतलब ये आज से एक हफ्ते पहले 85 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, और लास्ट अगर वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में भी ये तकरीबन 33% का इसमें रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट वन ईयर की बात करें तो इसने काफ़ी पीटा है ये शेयर, तकरीबन 55% का नीचे तक ये गिरा हुआ है। मतलब आज से एक साल पहले ये 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर 3 इयर्स की बात करें तो ये 304% अप रहा है, और अगर हम 10 साल की अगर हम बात करना चाहते हैं, मतलब अगर हम 10 साल का इसमें अगर डेटा निकालना चाहते हैं तो इसने 127% अप रहा है। अगर इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये शुगर इंडस्ट्रीज है और इसका मार्केट कैप तकरीबन 770 करोड़ के आसपास का है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और जैसे ही शुगर का न्यूज़ इसमें आया तब से NSE में ये शेयर तकरीबन 75 लाख वॉल्यूम तक ये ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली फिलहाल इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और आगे भी ये तेज़ी बरकरार रहेगी, ये नहीं है कि ये तेज़ी इसमें नहीं रहेगी। अगर हम इसका नेट रिज़ल्ट अगर हम देखने जाए क्वार्टर रिज़ल्ट, तो जून 2017 में इसका मतलब नेट सेल था तकरीबन 900 करोड़ का, जो मार्च 2018 तक 920 करोड़ तक पहुंच गया और जून 2018 में ये 730 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 20% का इसमें लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2017 में जो 140 करोड़ के आसपास था वो मार्च 2018 में तकरीबन 25 करोड़ माइनस में चला गया, लेकिन जून 2018 में इसने अच्छा खासा ये 91 करोड़ के आसपास ये रहा है। और अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी अगर हम देखने जाए तो भी मतलब यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घाटा इसमें देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज हो रही है उससे इसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो तकरीबन 49% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FIL के पास 3.63% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 46.88% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। जो PE रेशियो भी अगर आप देखने जाए तो 5.12 का इसका PE रेशियो देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जितनी भी शुगर कंपनियाँ हैं उस पर आपको वॉच रखनी चाहिए, उनमें से एक धर्मपुर मिल्स भी है, और इससे पहले ही मैंने एक शुगर कंपनी पे वीडियो मैं बना चुका हूँ तो उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि ये रीज़न क्यों है कि शुगर कंपनी के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया की जो पॉलिसीज है उसमें उन्होंने 25% का प्राइस बढ़ा दी है इथेनॉल की, और इथेनॉल जब शुगर कंपनियाँ जो होती है उसकी जो बाय प्रोडक्ट होती है वो एक इथेनॉल होता है, तो और वो आजकल ईंधन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में शुगर कंपनियाँ के प्राइस और उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से इसकी शेयर की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जितनी भी शुगर कंपनियाँ हैं उस पर आपको वॉच रखना चाहिए। हालांकि मैंने आपको एक और कंपनी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिलहाल मैं आपको एक और कंपनी के बारे में बताया इस वीडियो में मैंने बताया है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट भी करना है तो आप अच्छा खासा इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। आप अच्छा इसमें तकरीबन 2 गुना प्रॉफिट तक आप इसमें कमा सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।